16 अगस्त को बाप सांसद राजकुमार रोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर बीजेपी पर गरीब आदिवासी युवाओं का हक छीनने का आरोप लगाया था। दरअसल बीजेपी नेताओं ने स्वच्छ परियोजना में प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए भाजपा नेताओं की पत्नी, भाई और रिश्तेदारों को नौकरी लगवाई थी। चीफ कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर और असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर के पद पर नियुक्ति दिलाई थी। मामले ने तूल पकड़ा तो प्लेसमेंट एजेंसी ने नियुक्ति पर रोक लगा दी, जिसका लेटर भी अब सामने आ गया है। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। प्लेसमेंट एजेंसी का एक लेटर वायरल हो रहा है, जिसमें कंपनी ने कार्मिकों को हटाने और लगाने के आदेशों को लंबित करने की बात लिखी, लेकिन आदेशों में साफ जुबान का इस्तेमाल नहीं कर गुमराह किया गया। डूंगरपुर जिले में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग TAD की ओर से चलाया हुआ स्वच्छ परियोजना में प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए चीफ कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर और असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर लगाने में भारी फर्जीवाड़ा किया गया। इन पोस्ट पर 10 साल से ज्यादा समय से लगे कार्मिकों को पहले हटाया गया, इसके बाद बिमल राज आउटसोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड के जरिए भाजपा जिला अध्यक्ष हरीश पटीदार की पत्नी गायत्री पटीदार, नगर परिषद में उपसभापति सुदर्शन जैन की पत्नी जया जैन, पूर्व राज्य मंत्री सुशील कटारा का छोटा भाई हेमेंद्र कटारा और डूंगरपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रहे बंशीलाल कटारा के करीबी सुखलाल पटेल समेत 14 जान पहचान वालों और रिश्तेदारों को नौकरी पर लगा दिया। मामला उजागर होने के बाद बीजेपी की खूब किरकिरी हुई। कांग्रेस और भारतीय आदिवासी पार्टी के नेताओं ने बेरोजगारों के साथ धोखा बताया। राजकुमार रोत ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा था, वर्तमान TAD मंत्री ने स्वच्छ परियोजना को बनाया भ्रष्ट परियोजना। गरीब आदिवासी युवाओं का रोजगार छीनकर भाजपा नेताओं ने लगाए अपने परिवार के सदस्य। TAD विभाग आदिवासी समाज के उद्धार के लिए बनाया है, ना कि भाजपा का राजनीति करना। अब बहुत जल्द TAD विभाग में प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। ऐसे तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।